छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ में फिर ईडी ने छापेमारी की। उन्होंने कहा कि उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, विधायक, अधिकारी, इसके साथ ही किसान, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जहां छापेमारी ना हुई हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में छापेमारी नहीं होती है। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी, और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के सारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपये एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है। यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। इस कारण से वो महादेव के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, नहीं ईडी कोई कार्रवाई करती।